मुरादाबाद देहात विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार अकील चौधरी को मैदान में उतारा है, जिसके बाद लगातार अकील चौधरी देहात विधानसभा क्षेत्र के शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही अपने हक में सभी से वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के देहात विधानसभा से प्रत्याशी अकील चौधरी ने भोजपुर के कई इलाकों में पहुंचकर स्थानीय निवासियों से जनसंपर्क किया और सभी से अपने हक में वोट करने की अपील भी की। इस दौरान अकील चौधरी ने सभी को बहुजन समाज पार्टी द्वारा पिछले वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी दी और कहा कि आने वाला समय बदलाव का है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है और बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर बनने जा रही हैं, जिसको लेकर हम सब ने यह संकल्प लिया है कि भारी से भारी मतों से जीत कर हम विधानसभा पहुंचेंगे। मुझे सभी क्षेत्रों से समर्थन मिल रहा है, आप सब लोग मेरा समर्थन करें। इस दौरान अकील चौधरी का कई स्थानों पर स्थानीय निवासियों ने फूलमालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान मुरादाबाद में आगामी 14 फरवरी को किया जाएगा। उससे पूर्व सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। मुरादाबाद में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी विधानसभाओं में पहुंचकर मतदाताओं को अपनी आगे की योजनाएं बताने के साथ साथ वोट करने की अपील कर रही हैं। मुरादाबाद देहात विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने अकील चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद लगातार अकील चौधरी देहात विधानसभा क्षेत्र के शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने हक में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। इस दौरान अकील चौधरी का ये कहना है कि उन्हें सभी धर्मों का समर्थन है और आने वाला समय जीत का। ग्लैंड में है।